और शुरू करते हैं बिना किसी बक। तो शुरू करते हैं बिना किसी बक। तो शुरू करते हैं बिना किसी बक। तो शुरू करते हैं बिना किसी बक। पकड़ लिया साड़ो। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो आप सब आज? मैं क्या हाल है दोस्तों, राम राम सभी को। फाइव का मतलब रिव्यू दोबारा दोबारा। तो राम राम सभी को, कैसी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। राम राम भाइयों, कैसे हो आप सब? दोबारा से करेगा। तो कैसे हो आप सब? राम राम सभी को। आज मैं करने वाला हूँ अपनी R15M का रिव्यू। 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। कितना खर्चा आया और क्या क्या मुझे इस चीज़ में इसमें मतलब अच्छी लगी और क्या क्या बुरी लगी वो सब बताऊँगा। तो 10,000 में 3 सर्विस हो चुकी हैं। 10,000 किलोमीटर में इसकी क्लिच असेंबली पूरी चेंज हो चुकी है अब तक, जो नॉर्मल सी मेरे हिसाब से इस वाली बाइक की हो जाती है जैसे हम चलाते हैं। चलाने के ऊपर बहुत बड़ी मतलब बात है, आप आराम से चला रहे हो, तेज चला रहे हो। तो आओ दिखाता हूँ मैं इसका रिव्यू, कैसी रही बाइक अब तक, मुझे क्या दिक्कत आई, क्या मतलब परेशानी आई इसमें, तो सब बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, चलते हैं। 10,000 किलोमीटर में मुझे कैसे कम्फर्टेबल लगे, लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं नहीं? तो इस बाइक में देखो लुक वाइज तो है ही अच्छी, पर यह कि कम्फर्टेबल लॉन्ग के लिए तो नहीं है। तो कलाई में और एक गर्दन में बहुत दर्द होता है इसमें, अगर आप 100 किलोमीटर भी जा रहे हैं तो अच्छी चीज़ होती है अगर वेट है आपका। तो बात करते हैं इसकी आगे रिव्यू की। तो मैं अब इसका सीटिंग पोस्चर दिखाता हूँ आपको, मतलब तो मेरी जैसी हाइट के लिए कैसे बैठते हैं। ये पोजीशन रहती है इसमें। तो ये जो जब हेलमेट का वजन आ जाता है ना, हेलमेट अगर अच्छी आप क्वालिटी का लेते हैं तो आगे वाला गजब बेइज्जती है। मैं हेलमेट की बात करूँ, हेलमेट अगर आप अच्छी क्वालिटी का ले रहे हैं, मुझे भी ले लियो, अगर अच्छी क्वालिटी का हेलमेट ले रहे हैं आप तो कम से कम 1200 ग्राम से लेकर 1500 से 1800 ग्राम तक चला जाता है। लेकिन ये 1.5 किलो के आसपास अगर अच्छा हेलमेट है, मेरे पास 1.5 किलो का वाला है स्टड्स का, तो जब हम ऐसे बैठते हैं तो ये रीड की हड्डी पर बहुत दर्द होता है और ये कलाई पर पूरा सपोर्ट आ जाता है पूरी बॉडी का, तो इसमें बहुत दर्द होता है 50-60 किलोमीटर के ऊपर। बात कंफर्टेबल है वैसे बैठने के लिए अगर सीधे बैठ रहे हैं। और पीछे वाला तो मैं बात करूँ, ये तो फर्स्ट फ्लोर पे बैठता है, हवा सीधी से मुंह पे लगती है अगले के, पर ये कि व्यू भी अच्छा मिलता है पीछे से। तो ये था इसका सीटिंग पोस्चर, बस कर दे। तो पहले व्यू देख लो चारों तरफ से इसका। वैसे वॉक अराउंड वीडियो मैंने R15M की डाल रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये अपने चैनल का नाम, मतलब आपके चैनल का नाम, लव टू ट्रैवल। तो सबसे अच्छी बात लगी मुझे इसके ब्रेक, जो डिस्क ब्रेक है विद ABS, बहुत वो ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है इसका। मतलब ये है कि अगर 100 पे भी चल रहे हो तो मैक्सिमम 100 मीटर से पहले रुक जाएगी। और हाई स्पीड तो है इसमें, हाई स्पीड क्या मतलब 200 cc और 250 cc की बाइक को टक्कर देती है। पिकअप में तो नहीं जा सकती, लेकिन टॉप एंड में 155-156 चली जाती है। और देखो इसमें मीटर में दिखाता हूँ मैं, इसमें नाम लिखा है मेरा अविनीत, और इसमें दिखाता हूँ मैं आपको 10,000 किलोमीटर। हाँ, ये 10,330 चल चुकी है। मतलब ये है कि जब भी मैं एक ट्रिप पे जाता हूँ तो आराम से 700-800 किलोमीटर घूम के आता हूँ। तो 2-3 महीने में मैंने इतनी चला दी है। और इसकी लाइट की बात करूँ तो लाइट इतनी खास नहीं है, इसलिए मैंने ये अलग लगा रखी है 2। और इंडिकेटर में भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करा रखी है, और रात को दिखाऊँगा मैं आपको। अब बात करता हूँ इसके टैंक के, तो टैंक इसमें लगभग 11-12 लीटर आ जाता है। तो 1200 रुपये में, 1100-1150 रुपये में टैंकर फुल हो जाती है। और एवरेज की अगर मैं बात करूँ, अगर प्यार से चलाओगे तो 40 के आसपास दे देती है, 40-45। अगर तेज़ चलाओगे तो वही 30-35 मैक्सिमम। ठीक है, तो इसकी और जो ये पीछे वाली गद्दी है, ठीक है पीछे वाले के लिए फर्स्ट फ्लोर कह सकते हैं, पर यह है कि ऊंचा बहुत हो जाता है, उसे आगे का व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। ये मैंने इसके मिरर भी चेंज करवा रखे हैं, इसमें लाइटें हैं, अच्छी लगती है रात को। और बात करो इसके चैन सेट की, चैन सेट देख लो, इसमें वो डालना पड़ता है स्प्रे, जो चैन साफ करने को होता है लगाना पड़ता है, नहीं बहुत आवाज़ करती है। और लॉन्ग ड्राइव पर आपके कलाइयों में दर्द होगा, आपकी गर्दन में दर्द होगा, क्योंकि जो हेलमेट का वेट होता है वो पूरा आपकी रीढ़ की हड्डी पर आ जाता है, तो उसमें लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत दिक्कत देती है बाइक। लॉन्ग ड्राइव के लिए मेरे हिसाब से मेरे पास 220 भी है, 220 से बेटर कोई बाइक नहीं लगी मुझे, पहाड़ों में ले जाओ चाहे कहीं ले जाओ और कितने किलोमीटर कैसे चला लो, इसमें दुनिया भर की चीज़ है, कूलेंट वगैरह ये है वो है, पर फिर भी उससे मुझे बेटर लगती नहीं है। और इसके अगर बेनिफिट्स बताऊँ तो लुक में अच्छी हैं, लुक बहुत काफ़ी इसका स्पोर्ट्स बाइक की तरह है, स्पोर्ट्स या सुपर बाइक की तरह कह लूँ। और बात करता हूँ इसके अब ऑटो स्लीपर क्लिच है, जो बहुत बढ़िया काम करता है, क्लिच दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट गेट डालते रहो, बहुत अच्छा काम करता है।
बात करो इसके सिलेंसर की, सिलेंसर में आवाज़ बहुत ही ऐसे नॉर्मल जैसे स्प्लेंडर की हो, तो इसमें एग्जॉस्ट लगाना पड़ता है अगर मज़े लेने हैं तो। वो बीच मैंने चेंज कर दिया था, वो ज़्यादा पुलिस वालों की चेकिंग रहने लगी इसके लिए वैसे। और मैं बात करूँ भाई इसकी, अगर मैं टॉप मॉडल की बात करूँ अभी तो एम, ये टॉप मॉडल ही है जो अब आ रहा है, ये वाला एडिशन नया आ रहा है हाल फिलहाल में, उसमें इन्होंने ज़्यादा चेंज नहीं करा। एक तो मीटर में थोड़ा सा कलरफुल कर दिया और इंडिकेटर एलईडी वाले दे दिए, वैसे मैंने एलईडी वाले बल्ब डलवा रखे हैं इसमें और बिल्कुल सेम है, और कोई लगभग 2.5 के आसपास ही आ रही है। और बात करूँ मैं अगर फिर इसके सोकर की, सोकर बहुत अच्छे काम करते हैं इसके, गड्ढे वड्ढे में कई बार कूदिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं दी, वैसे शक था कि पूरी प्लास्टिक बॉडी है कभी दिक्कत आ जाए, लेकिन ऐसी दिक्कत आई नहीं इसमें अभी तक। और बात करो कि बस ये है कि लॉन्ग ड्राइव के लिए है नहीं बाइक ये, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और एक बार ये साइड से हल्की सी गिरी थी तो देखो कितना नुकसान आया है इसमें, मतलब एक तो ये मुड़ गया लीवर, ठीक है, और ये देखो ये मुड़ गया, हाँ ये स्क्रैच आ गए यहाँ, मतलब क्वालिटी इतनी खास ही नहीं है बाइक की, बस ये कि लुक में अच्छी, लुक लुक पे पैसा खर्च कर रखा है इन्होंने, ठीक है जी। तो ये था इसका रिव्यू, रिव्यू कैसा लगा बताना जरूर कमेंट करके। पहली बार रिव्यू कराया किसी बाइक का तो थोड़ी सी गलती वलती तो हो जाती है। और इसमें हाँ, इसमें ऑटो कनेक्ट का भी सिस्टम दे रखा है, ये फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है उसमें, जो यहाँ जैसे RPM दोगे तो उसमें RPM दिखेगा, बाइक कहाँ खड़ी है, और वही मतलब मामूली सी चीज़ है, यूज़फुल नहीं है बिल्कुल भी। तो ये था, कंफर्टेबल लॉन्ग ड्राइव पे है नहीं, लेकिन ये है कि आप लोकल में और थोड़ा बहुत चलाने हैं तो बढ़िया है, शो के लिए बढ़िया है, शो आप बढ़िया कर सकते हैं, पब्लिक में भी रिएक्शन अच्छा रहता है इसका, और अगर एग्जॉस्ट की साउंड और अच्छी देते तो और मज़ा आ जाता, ठीक है जी। तो मतलब लाइट की अगर मैं बात करूँ तो रात को मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, जो मैंने एक्स्ट्रा लाइट लगा रखी है और जो इसकी एक्चुअल लाइट है वो मैं आपको रात को दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो भाइयों हो गई है शाम, अब दिखाता हूँ मैं, देखो ये था DRL, आगे से दिखाओ आप, ये फ्रंट की DRL जो ऑन करते ही गलती रहती है। अब मैं दिखाऊँ इसकी, अगर ये लाइट दोबारा बना देखो ये है इसकी डिपर, और अपर अगर मैं जलाऊँ तो ये अपर है, मतलब अगर पूरा अंधेरा है तो ही ठीक ठाक चांदना है इसका, और अगर मैं अपनी जो एक्स्ट्रा लाइट लगा रखी ये जलाऊँ फिर देखो ये लाल, ये येलो, ये देखो ये वाइट, अब देखो कितना चांदना आ गया है, मतलब चलने में बहुत ही मज़ा आता है रात को। और अगर मैं ये बंद करूँ इसकी लाइट, ठीक है जी, ये लाल, ये येल्लो, ये वाइट, मतलब इसका चांदना अकेले का है इतना जितना बाइक से अलग है। ये इसका मोड हो गया, ये लाल हो गया इसका, रात को बहुत प्यारी लगती है चलते हुए, ये येलो, ये सफ़ेद। और तो यहाँ करते हैं हम वीडियो ख़त्म, तो सारा मैंने रिव्यू आपको दे दिया है, लाइट वगैरह भी दिखा दी, देखो रात को कितना मस्त हुआ। तो ठीक है, राम राम सभी को, ऐसे प्यार बनाए रखे, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते रहे, जय श्री राम। अरे वो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। जय हिंद दोस्तों।